हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सो देखो, हर बार की तरह इस बार मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ और आज इस वीडियो में मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो है फ्रॉम द ब्रांड अरोमा ट्रीजर्स का पपाया क्लीनअप किट। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, कैसा क्या है प्रोडक्ट की क्वालिटी, कैसी है प्राइस, कैसा है वर्थ है कि नहीं, और स्टेप बाय स्टेप मैं इस प्रोडक्ट को अपने फेस पे यूज करके बताऊंगी और आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेक श्योर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो अगर आपको कुछ भी पूछना हो या फिर किसी भी चीज का रिव्यू चाहिए। तो ज्यादा टाइम न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो पाया क्लीनअप किट है बेसिकली अरोमा ट्रीजर ब्रांड का है, क्यूट सी पैकेजिंग में आता है, छोटी सी पैकेजिंग है इसकी, इट इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। नाउ ये आपको एक जो आउटर पैकेजिंग है, कुछ इस तरह की आउटर पैकेजिंग आपको मिलेगी और इसमें क्या क्या मेंशन है, पहले तो मैं इसकी प्राइस बता दूँ। सो इसकी जो प्राइस आपको पड़ेगी, जैसा कि आपको ये बॉक्स दिखने में बहुत क्यूट सा छोटा सा है, तो इसकी जो प्राइस है 150 रुपीज़ है, मतलब 150 में आपको ये मिल जाएगा। एंड इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है जो 2023 और एक्सपायरी डेट है 2025। सो ये ऊपर ये मेंशन है और साथ ही में ये मेड इन इंडिया है, सो दिस इज़ अ गुड थिंग। और इट इज़ सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, ये सारे स्किन टाइप के लिए गुड है, मतलब सारे स्किन टाइप आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपको पता है पाया में है जो एंजाइम पाया जाता है जो कि हमारे कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और हमारे स्किन में इलास्टिसिटी लाता है। इतना ही नहीं, पपाया जो है एक एंटी एजिंग का भी काम करता है, हमारे स्किन के टेक्स्चर को इम्प्रूव करता है और एक नेचुरल ग्लो देता है। बात करते हैं इसकी इनर पैकेजिंग की। सो इसकी जो इनर पैकेजिंग है, बहुत ही क्यूट से छोटे छोटे पैकेट्स आपको मिलेंगे इसमें। सो ये आपको 4 पैकेट्स इसमें मिलेंगे जो कि बहुत ही छोटे छोटे क्यूट है, ट्रेवल फ्रेंडली है। अगर आप कहीं जा रहे हो, लाइक अगर आप किसी शादी फंक्शन में कहीं ट्रेवल कर रहे हो या फिर किसी फंक्शन में जा रहे हो और आप एक छोटा सा क्लीनअप किट ढूंढ रहे हो जो कि इजीली आप ट्रेवल कर सको लेके और ज़्यादा आपका स्पेस भी ना ले, देन डेफिनेटली ये एक बहुत ही क्यूट सा ऑप्शन हो सकता है। ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा और बहुत ही छोटू सा है और कम बजट में है। सो ये 4 पैकेट आपको मिलेंगे। सो बेसिकली जो पहला है वो है पपाया जेल, दूसरा जो है पपाया स्क्रब, तीसरा जो है पपाया क्रीम एंड चौथा जो है पपाया मास्क। सो इन चारों स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप अपने फेस का क्लीनअप करते हो तो। इसमें एक थॉट भी लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। स्मार्ट पर्सन नो व्हाट टू से, वाइज पर्सन नो वेदर और नॉट टू से इट। सो दिस इज फ्रॉम द रॉय टी बेनेट्स, यहाँ पे एक थॉट भी लिखा हुआ है जो बहुत ही अच्छा है। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप करना कैसे है। तो पहले आपको यहाँ पे यूज़ करना है ये पपाया जेल। सो मैं अपना स्टार्ट करती हूँ क्लीनअप करना अपने फेस का। सो पहले जो है आप अपने बालों को टाइप कर लोगे, मैं यहाँ पे हेयर बैंड यूज़ करूँगी। और पहला जो स्टेप है आपको यूज़ करना है ये पपाया जेल। सो अपने फेस को आपको वेट कर लेना है और इस पपाया जेल से अपने फेस को क्लीन कर लेना है बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, ताकि आपके फेस पे जितने भी डर्ट जर्म्स हैं वो रिमूव हो जाए और अगर आपने मेकअप किया है वो भी रिमूव हो जाए, आपका फेस क्लीन हो जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। सो पहले मैं अपने फेस को वेट करती हूँ और इस पपाया जेल को लगाती हूँ। इस पपाया जेल की जो कंसिस्टेंसी है आप देख सकते हो, एकदम जेल बेस्ड में है जैसा कि इसमें लिखा है। सो इस जेल को हम ले लेंगे अपने फेस पे और 5 मिनट तक बहुत ही लाइट वे में अपने फेस को क्लीन करेंगे। हमारे फेस से जितने भी इम्प्यूरिटीज़ है, डॉट जॉम्स है, वो पूरा रिमूव कर देगा और हमारा फेस जो है एकदम क्लीन हो जाएगा। सो एक बहुत ही लाइट मोशन में आपको अपने फेस को, सर्कुलर मोशन में अपने फेस को क्लीन करना है। सो इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है, फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है इसकी। और अब ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो चुके हैं, सो मैं इसको अपने नॉर्मल वाटर से इसको वॉश करके इसको क्लीन कर लिया है। और अब बारी है सेकेंड स्टेप करने की। सो जो सेकेंड स्टेप है वो है स्क्रबिंग का। सो बेसिकली ये जो है हमारा पपाया स्क्रब है जो कि हम स्क्रब करना है अपने फेस पे। सो बेसिकली मैं स्क्रबिंग ज़्यादा टाइम तक नहीं करूँगी और मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप स्क्रबिंग अपने फेस पे ज़्यादा करो या फिर बहुत हार्ड करो। और मैं स्क्रबिंग फेस पे करती नहीं हूँ, मतलब बहुत कम करती हूँ मैं अपने फेस पे। सो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में इस स्क्रब को लूँगी और ये कुछ ऐसा है, जेल बेस्ड स्क्रब है तो अच्छा है ये कि मेरे फेस को ज़्यादा ये एक्सफोलिएट नहीं करेगा और ज़्यादा रफ नहीं बनाएगा। जेंटल वे में अपने फेस को हम एक्सफोलिएट करेंगे, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में है ये। सो इस स्क्रब की वजह से, स्क्रब को लेके मैं अपने फेस को
एक्सफोलिएट करूंगी, जो भी ब्लैक हेड्स है व्हाइट हेड्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, स्पेशली जो नोज एरिया में ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हो जाते हैं। सो स्क्रबिंग जो है हमें आई थिंक वीक में एक बार करना चाहिए या फिर महीने में आप 2 से 3 बार सिर्फ करो, रेगुलरली मत करो अपने फेस को स्क्रब। इससे क्या होता है, हमारे फेस में जो भी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हैं जो भी इम्प्यूटीज है वो रिमूव हो जाती है। सो मैं इस स्क्रब को बहुत ही लाइट वे में अपने फेस को स्क्रब करूंगी, बिल्कुल भी हार्श नहीं होंगी। सो चलिए मैं इसको अच्छे से स्क्रब करती हूँ, उसके बाद आपने स्टेप भी फॉलो कर लिया, अपने फेस को स्क्रब कर लिया है एंड दिस इज माय फेस। आप देख सकते हो मेरे वीडियो स्टार्ट करने का मेरा फेस कैसा था, और अभी मैंने 2 स्टेप फॉलो किए हैं और अब मेरा फेस कैसा है आप देख सकते हो। नाउ द 3rd स्टेप है वो जो है पपाया क्रीम अप्लाई करने का। इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद मैं 10 से 15 मिनट अपने फेस को अच्छे से मसाज करूंगी। इससे क्या होता है कि आपके जो फेस एक्सफोलिएट हुआ है, थोड़ा सा रफ हुआ है, ये मसाज क्रीम जो है बहुत ही आपके स्किन को, आपके फेस को स्मूथ करती है, थोड़ा सा रिलैक्स फील देगी और आपको आपका फेस बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देगी और आपको आपका फेस थोड़ा सा ग्लोई लगेगा। सो इस मसाज क्रीम को मैं लूँगी और पहले तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कि कैसा टेक्सचर है इसका। कुछ इस तरह का टेक्सचर है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर होगा, व्हाइट कलर के टेक्सचर में आ रहा है, एज यू कैन सी बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है व्हाइट कलर का। सो इसको अप्लाई करते हैं और इसको 10 से 15 मिनट तक अपने फेस पे अच्छे से मसाज करके मैं मिलती हूँ। इसको मैं लगा लूंगी अपने फेस पे पूरे अच्छे से, इसको अच्छे मोशन में मसाज करेंगे माय फेस। अभी मैंने मसाज किया अपने फेस को और आप देख सकते हो मेरे फेस का ग्लो बहुत ही सॉफ्ट फील हो रहा है, मेरे को बहुत ही स्मूथ फील हो रहा है। नौ जो लास्ट स्टेप है एंड स्टेप 4 है वो है अप्लाई करने का पपाया मास्क। तो इस मास्क को मैं अप्लाई करूंगी अपने फेस पर, रहने दूंगी 10 से 15 मिनट तक। मैं आपको दिखाती हूँ पहले इसका टेक्सचर कि कैसा टेक्सचर है। और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये मास्क, मतलब ये किट क्लीनअप किट वर्थ द प्राइस है, 150 में आपको बहुत ही बजट में मिल जाएगा। और ये जो मास्क है भी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है और इस मास्क को हम अप्लाई करेंगे अपने फेस को, कुछ इस तरह के टेक्सचर में है, अपने फेस पे अप्लाई करेंगे 15 मिनट तक मैं इसको रहने दूंगी और देन फिर वॉश करके आपको मैं फाइनल रिजल्ट दिखा दूँ। फेस पे अप्लाई कर लिया है इस पपाया मास्क को, इसको मैं 15 मिनट तक अपने फेस में रखने दूंगी और उसके बाद मैं इसको वॉश करके आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। गाइस दिस इज माय फेस, सारे स्टेप करने के बाद ये है मेरा फेस। आप देख सकते हो वीडियो को स्टार्ट करने में कैसा था और अभी कैसा है। बात करते हैं मेरे को पर्सनली क्लीनअप किट कैसा लगा। इसको मैं दूंगी 10 out of 10। 3-4 रीजन है मुझे ये पसंद क्यों आया। पहला रीजन है प्राइस इसकी बहुत अच्छी है, बहुत बजट है, बहुत ही अफोर्डेबल है, लाइक 150 रुपीज़ में। अगर आप वीकली या फिर अगर आप मंथली क्लीनअप करना चाहते हैं घर में, देन डेफिनेटली ये वर्थ द प्राइस है। 150 रुपये में आप घर बैठे क्लीनअप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये मुझे अच्छी लगी कि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, छोटा सा पैकेट है, क्यूट सा पैकेट है, तो आप इसको ईजिली लेकर ट्रैवल कर सकते हो। तीसरी चीज़ ये है कि ये पपाया क्लीनअप किट है, तो पपाया के आपको बेनिफिट पता ही है कितने ज़्यादा हैं। इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, हमारे फेस को नेचुरली ग्लोई बनाता है, हमारे फेस को टाइटन करता है, हमारे फेस को लाइटन करता है। और आपको पता है अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, समर सीजन है, और समर सीजन में ऑलरेडी हमारा फेस जो है बहुत ही डल रहता है, बहुत ही रेड डॉट जॉम्स रहते हैं, तो क्लीनअप बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसको ये सारी चीज़ें मुझे इस क्लीनअप किट में अच्छी लगी। और एक अच्छा सा क्लीनअप किट देख रहे हो देन डेफिनेटली ये अरोमा ट्रेजर्स का क्लीनअप किट ट्राई कर सकते हो, वर्थ द प्राइस है। तो आई होप कि मेरा छोटा सा रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।